सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम बैक गाइस, आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा यूरिन कल्चर की रिपोर्ट को आप कैसे देख सकते हैं। और गाइस, बहुत ही साधारण लैंग्वेज का मैंने यूज़ किया है। इस वीडियो में मैंने बताया है कि यूरिन कल्चर की रिपोर्ट डॉक्टर क्यों कराते हैं, उसके आपको कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स डाइव इनटू इट। तो गाइस, सबसे पहले तो देखिए इसके बेनिफिट क्या हैं और डॉक्टर क्यों कराते हैं उसको जान लीजिए। तो गाइस, जो यूरिन कल्चर की रिपोर्ट इसलिए कराई जाती है कि आपको एक स्पेसिफिक एंटीबायोटिक का पता लग जाए, मतलब कि डॉक्टर को पता लग जाए और आपको वो प्रेस्क्राइब कर दें, ताकि आपकी जो बीमारी है वो जल्दी से ठीक हो सके। इसको आसान शब्दों में समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए आपको ई कोली नाम के बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ है, तो जब आप ये टेस्ट कराएंगे तो आपको उस बैक्टीरिया का नाम बता दिया जाएगा, साथ ही वो सारी मेडिसिंस, वो सारे एंटीबायोटिक्स की लिस्ट आपको दे दी जाएगी जिससे ई कोली बैक्टीरिया मरता है। ओके, तो जिस बैक्टीरिया के कारण आपको यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है, उस बैक्टीरिया का नाम, साथ ही उस बैक्टीरिया को मारने के लिए जितनी भी तरह की मेडिसिन है वो आपको इस टेस्ट में बता दी जाती हैं। तो बेनिफिट क्या होता है, सबसे पहले तो ये है कि आपको तरह तरह के एंटीबायोटिक्स नहीं खाने पड़ते। और गाइस, जो दूसरा बेनिफिट ये मिलता है कि आप उस बीमारी से जल्दी से छुटकारा पा लेते हैं। अब कहाँ पर अगर आप ये टेस्ट नहीं कराते तो अंधेरे में तीर चलाना पड़ता है, आपको तरह तरह की मेडिसिन दी जाती है, मतलब एंटीबायोटिक्स डॉक्टर देते हैं, और हो सकता है कि उन एंटीबायोटिक्स से आपकी बीमारी ठीक भी हो जाए और हो सकता है कि ना भी हो। तो आप इस चांस को मत लें, आप अगर यूरिन कल्चर की रिपोर्ट कराते हैं तो आपका एग्जैक्ट जो ट्रीटमेंट चलना है, जो जेन्युइन ट्रीटमेंट है आपके इन्फेक्शन के मुताबिक, आपका वो ट्रीटमेंट चलता है। तो गाइज, अब मैं आपको लाइव डेमो पर लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि आप कैसे यूरिन कल्चर की रिपोर्ट को देख सकते हैं। तो गाइज, यहाँ पर एक पेशेंट की रिपोर्ट है जिसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यूरिन कल्चर की ये रिपोर्ट है, और यहाँ पर इन्होंने ऑर्गेनिज्म बताया हुआ है ई कोली, जो कि सामान्यतः मिलता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। यहाँ पर एंटीबायोटिक्स की लिस्ट आपको दे दी गई है, साथ ही इसका रिजल्ट आपको दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस हैं ई कोली के विरुद्ध, ये देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि एम्प्लीसिन, जेंटामाइसिन रेजिस्टेंट है, एमिकासिन भी सामान्यतः यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में दिया जाता है, ये भी रेजिस्टेंट हो चुका है, अमोक्सिसाइलिन और क्लेवनरिक एसिड भी रेजिस्टेंट है। तो गाइज, यहाँ पर देखिए सारे के सारे रेजिस्टेंट हैं। यहाँ पर जो इस पेशेंट को काम करेगा वो है फोस्फोमाइसिन, जिसका सैचेट मिलता है, और नाइट्रोफेनोटोइन, मतलब कि निफ्ट्रान 100 mg के जो कैप्सूल होते हैं, या फिर कोई भी जो कैप्सूल हैं वो भी रेजिस्टेंट है, सामान्यतः ये भी चलाए जाते हैं। साथ ही ये कोलिस्टीन ये इंजेक्शन के साथ का कॉम्पोजिशन है, और ये जो इंजेक्शन है काफ़ी महंगा आता है। तो यहाँ पर सिर्फ दो ही सेंसिटिव हैं, फोस्फोमाइसिन और कोलेस्टीन, बाकी जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं वो सारे के सारे रेजिस्टेंट हैं। तो गाइज, ऐसे आप यूरिन कल्चर की रिपोर्ट को देख सकते हैं। यहाँ पर सारे के सारे एंटीबायोटिक्स की लिस्ट आपको दे दी जाती है, साथ ही रिजल्ट बता दिया जाता है कि आपको ये एंटीबायोटिक काम करेगा कि नहीं करेगा। तो गाइज, आपने देखा कि यूरिन कल्चर की रिपोर्ट कैसे देख सकते हैं। तो आज की वीडियो बस इतनी थी यूरिन कल्चर के ऊपर, और आई होप मैंने जो आपको जानकारी दी है वो आपके लिए यूज़फुल होगी। तो गाइज, ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस और टॉपिक्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड किसी बात को लेकर आप हमें किसी भी तरह का कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके दे सकते हैं। साथ ही अगर किसी टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो गाइज, मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।